तो मैंने अपने फोन के अंदर सीक्रेट कमांड को अप्लाई कर दिया है और इसके रिजल्ट आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मेरी गन से निकलने वाली पहली और आखिरी गोली केवल हेडशॉट कनेक्ट हो रही है। इन कमांड को अप्लाई करने के बाद क्या आप लोगों का डिवाइस बैन हो सकता है, इन कमांड को किस तरीके से अप्लाई करना है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन कमांड को अप्लाई किस तरीके से करना है और इन कमांड को अप्लाई करने से क्या फायदा होगा आप लोगों को। इन कमांड को अप्लाई करने से आप लोगों का जो फ्री फायर है वो बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, जो आप लोगों का स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब भी आप लोग अपने फायर बटन को ड्रैग करेंगे तो ड्रैग भी बहुत आसानी से होगा और एनिमी को केवल रेड नंबर लगेंगे, जिसका प्रैक्टिकल वीडियो बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इन कमांड को अप्लाई किस तरीके से करना है, इन कमांड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के अंदर सेट एडिट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ऊपर आएगा एड न्यू सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहली कमांड आप लोगों के सामने दिख रही है, आप लोगों को स्मॉल आर लिखना है, डॉट स्मॉल एस ई टी फ्रेम पीस लिखना है जिस तरीके से मैंने लिखा है, और सेव पर क्लिक कर देना है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ना ही आप लोगों को कैपिटल करना है, ना ही आप लोगों को स्पेस देना है, जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम टू सेम आप लोगों को लिख देना है और सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आएगा वैल्यू डालने के लिए, तो वैल्यू में आप लोगों को 120 अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप लोगों को दूसरी सेटिंग को अप्लाई करना है, तो फिर से आप लोगों को एड सेटिंग पर क्लिक करना है। एड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अगेन दूसरी कमांड टाइप करनी है, स्मॉल पी स्मॉल एम डॉट डी ई एक्स ओ पी टी, सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है, और डॉट एफ आई आर एस टी डॉट बूट, सब कुछ आप लोगों को स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद आप लोगों को सेव करना है और अगली बार जो टाइप करने के लिए आएगा वहां पर आप लोगों को वैल्यू में लिखना है स्पीड, वो भी आप लोगों को स्मॉल में ही लिखना है। उसके बाद जो तीसरी कमांड है उसको आप लोगों को टाइप करना है, फिर से आप लोगों को एड सेटिंग पर जाना है और वहां पर लिखना है डीबग डॉट एस एफ डॉट एस एच ओ डब्ल्यू सी पी यू, जिस तरीके से मैंने लिखा है वही सेम कमांड को आप लोगों को लिखना है। सेव पर क्लिक करना है, अगेन जो वैल्यू डालने के लिए आएगी उसमें आप लोगों को जीरो डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को अगली कमांड टाइप करनी पड़ेगी जो कि ये चौथी कमांड, इसको टाइप करने के लिए आप लोगों को फिर से एड सेटिंग पर क्लिक करना है और कैपिटल में लिखना है ई एन एफ ओ आर एस ई, और उसके बाद आप लोगों को अंडरस्कोर लगाना है, प्रोसेस अंडरस्कोर लिमिट, और सेव पर क्लिक कर देना है। इस पूरी आप लोगों को कमांड को कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आप लोगों को जो वैल्यू आएगी उसमें लिख देना है फॉल्स। उसके बाद जो पांचवी कमांड है वो आपके सामने दिख रही है, फ्रेम रेट लुक, आप लोगों को एफ कैपिटल में लिखना है, बाकी का स्मॉल में। उसके बाद आर कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, और एल कैपिटल में, बाकी सब कुछ स्मॉल में लिखना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है, जो भी वैल्यू डालने के लिए आएगी वहां पर आप लोगों को ट्रू पर सेट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना है, अपने फोन को एक बार रीबूट करना है और फ्री फायर को ओपन करना है और रिजल्ट आपके सामने होंगे। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैं डिजर्ट ईगल से कितने तगड़े हेडशॉट लगा रहा हूं। अगर मैं 5 गोलियां लगातार चलाता हूं तो लगातार 5 हेडशॉट लगते हैं, लेकिन केवल कमांड को अप्लाई करने के बाद ही आपके हेडशॉट नहीं लगेंगे, आप लोगों को वन टैप हेडशॉट की ट्रिक भी आनी चाहिए। अगर आप लोगों से वन टैप हेडशॉट की ट्रिक सीखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।